हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स में। तो आज हम बात करेंगे सुबीर भाटे जी के बारे में, जिनकी एक इनोवेशन के लिए बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने $400 मिलियन की पेशकश की थी। आखिर ये शख्स है कौन, तो जानते हैं हम इस वीडियो में। उनका जन्म हुआ था चंडीगढ़ पंजाब में 30 दिसंबर 1968 को एक सिंधी परिवार में। उनके पिताजी बलदेव भाटिया जी इंडियन आर्मी में कैप्टन थे और रिटायरमेंट के बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में शामिल हो गए थे। उनकी मां का नाम दमन भाटिया है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर थी। 1986 में सुबीर इंजीनियरिंग करने के लिए बिट्स प्लानी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और 2 साल के बाद अपने ट्रांसफर करवा लेते हैं यूएसए के कैलटेक इंस्टीट्यूट में, मतलब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। 1989 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाते हैं अल्ट्रा लो पावर BLSI डिज़ाइन पे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी के दौरान सुबीर भाटिया जी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं स्टीव जॉब्स और स्कॉट मैकनीले से। इसीलिए सुबीर अपनी PhD का ड्रीम छोड़ करके एप्पल कंप्यूटर्स में एक हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन करते हैं। 1995 में सुबीर एक कंपनी बनाते हैं जावासॉफ्ट के नाम से, जो कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती थी, जिससे कि उस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के जरिए कोई भी कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से आसानी से देख सकता था। एक बार सुबीर भाटिया जी जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे, उस कंपनी ने अपने नेटवर्क में फायरवॉल इंस्टॉल कर दिया, जिस वजह से कोई भी अपनी मेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तब सुबीर जी के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मेल को भी इंटरनेट पे डाल दिया जाए, ताकि कोई भी इंसान वर्ल्ड में कहीं से भी अपने ईमेल अकाउंट को चेक कर सके। फिर सुबीर भाटिया जी ने अपने कुलीग जैक स्मिथ के साथ मिलकर के इंटरनेट पे मेल को डाल दिया और इस तरह जन्म हुआ फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल का। उसका नाम रखा गया हॉटमेल। इस वेब बेस्ड ईमेल को लॉन्च किया गया 4 जुलाई को, जिस दिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी होता है। हॉटमेल कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO सुबीर भाटिया ही रहे। हॉटमेल अकाउंट को फ्री में बनाया जा सकता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, और पैसा कमाया जाता था वेब पेज पे एडवर्टीजमेंट्स के जरिए। सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही हॉटमेल के 10 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स हो गए। हॉटमेल की इतनी बड़ी कामयाबी से बिल गेट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने सुबीर भाटिया जी को हॉटमेल बेचने के लिए पेशकश की और आखिरकार दिसंबर 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने $400 मिलियन की भारी भरकम राशि से डील फाइनल की। भाटिया जी ने 1 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में जॉब भी की, फिर माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ करके उन्होंने अपनी ई कॉमर्स फर्म RZU.com शुरू की, जिसमें इन्वेस्टमेंट की थी मोहम्मद आसिफ ने, जो कि USA के JP Morgan बैंक में एम्प्लॉय थे। नवंबर 2017 में सुबीर भाटिया जी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अल्टरनेटिव के रूप में लाइव डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत की। 2008 में फ्री वेब बेस्ड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसका नाम था sabsebolo.com, जिसे मुंबई में लॉन्च किया गया था, जिससे कि लोग इंटरनेट पे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में बातचीत कर सकते थे। जून 2009 में sabsebolo.com ने जेक्स्टर को एक्वायर किया, जो कि इंटरनेट टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब बात करते हैं उनको दिए गए अवार्ड्स के बारे में। 1998 में वेंचर कैपिटल फर्म ड्रेपर फिशर जो बेटसन ने सुबीर जी को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। MIT ने उन्हें TR100 अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि टॉप 100 जंग इनोवेटर्स को दिया जाता है जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। सांजोसे मर्क्यूरी न्यूज
और पॉइंट ऑफ व्यू मैगजीन के द्वारा सुबीर भाटिया जी को 10 मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। 31 जुलाई 2012 को हॉटमेल के इंटरफेस को अपडेट किया गया और hotmail.com का नाम बदलकर रख दिया गया outlook.com, जो कि पूरी दुनिया में 106 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और वर्ल्ड के टॉप 5 ईमेल प्रोवाइडर्स में शामिल है। ये सुबीर भाटिया जी की ही देन है जिन्होंने वेब बेस्ड मेल की इन्वेंशन की, जिससे हम अपनी मेल को कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से या फोन से एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। तो दोस्तों, ये थी सुबीर भाटिया जी की इंस्पायरिंग स्टोरी, जिन्होंने फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल का इन्वेंशन करके पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया।